मुंबई में दाऊद इब्राहिम की संपत्ति नीलामी में डी कंपनी ने दोपहर तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर देर रात उस्मान चौधरी नामक एक आदमी ने चैनल के रिपोर्टर को फोन करके कहा कि अगर यदि किसी ने ये प्रॉपर्टी कब्जे में ली तो 1993 दोहराया जाएगा। जब से दाऊद की संपत्ति की नीलामी की खबर बाहर आई थी तब से ही मुंबई क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस ने दाऊद के लोगों पर नजर बनाए रखी है। कहा जा रहा है कि दाऊद के भाई अनिस और छोटा शकील ने मुंबई में ये निर्देश दे रखे थे कि भाई की प्रॉपर्टी किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। दाऊद की संपत्ति खरीदने के बाद उस क्षेत्र में पुनर्विकास किया जाने वाला है। जिन लोगों ने नीलामी में अपना नाम लिखवाया पुलिस ने उनके पृष्ठभूमि की जाँच की है और इस बारे में सोचा जा रहा है कि ऐसे लोगों को पुलिस की सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।